bye. हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा अपना सुमित लूथरा ते मैं स्वागत करदा थोड़ा अपने इस नवी वीडियो दे विच। जिवें कि तुसी जानदे हो कि बहुत गर्मी है ते इन्नी गर्मी दे विच मेरा दिल कर रहा कुछ ठंडा ठंडा खाण नूं, बट दिमाग सिर्फ एको चीज़ आ रही है, आइसक्रीम। बट आइसक्रीम इज़ वेरी अनहैल्दी, सो मैनूं उहदा कोई अल्टरनेटिव चाहीदा जो कि होवे भी ठंडा, आइसक्रीम नालों वध टेस्टी होवे ते होवे भी हैल्दी। सो इस करके मैं एक नवी रैसिपी, नवी ते नहीं खैर काफ़ी लोग उन्होंने बनाते हैं तो खाते भी ने। सो एक नवी रैसपी जी है वो अज मैं थोड़े सामने पेश कराँगा। वो रैसपी के मैं बनावगा फ्रूट क्रीम, तो फ्रूट क्रीम जी है वो हैल्दी भी होएगी, घर की बनी होएगी, साफ सुथरी होएगी, तो बनाने का तरीका भी बहुत सौखा है, तो 5 मिनटों में बन जाती है। तो आओ तुहानूं शेयर करते हैं आ रैसपी ताकि तुसीं भी खा सको इहो जिहियां चीज़ां, तो घर बना के खा सको, बाजारों लैण की कोई लोड़ नहीं। आओ जी एक बार बना के देखिए। मैं लई है जी लो फैट क्रीम, स्लाइस्ड मैंगोज नू कट लिया है, ग्रेप्स इनू भी मैं हाफ हाफ कट कर लिता है, अनार दे दाने, काजू अते बादाम नू रात नू भिओ के उदे छिलके उतार ले हन, अते सौगी किशमिश। हुण तुसी अपने स्वाद के मुताबिक इहदे विच चीनी ऐड कर लेनी है ते इहनू मिक्स करना है। जो तक अच्छी तरह मिक्स नहीं हुंदी तद तक तुसी इहनू जिहड़ा स्टिर करी जाओ, ते इको डायरेक्शन विच करना है। ए थोड़ा ध्यान रखियो, इको ही डायरेक्शन होनी चाहिए है, इहनू रिवर्स नहीं घुमाउणा। तुसी इहनू तुसी उदों तक घोल ही जाणा जदों तक थोड़ी थिक नहीं हुंदी। एक तां इहदे विच चीनी अच्छे तरीके नाल घुल जाएगी, तो दूसरा है जिहड़ा है थिक हो जाएगी बड़ी वधिया तरीके दे नाल। इहनू किन्ना क थिक करना है यह भी तुहानूं मैं दस दिंदा। जिस तरह असीं क्रीम रोल खाने ना, क्रीम रोल, तो क्रीम रोल दे विच जिहड़ी क्रीम हुंदी है वह तो काफ़ी थिक हुंदी है, उह च हवाई भरी हुंदी वैसे तो, पर जिहड़ी असीं थोड़ी इस तों घट रखनी है, क्योंकि जे तुसीं उस लैवल तक पहुँच जाओगे तो जो सानूं कंसिस्टेंसी चाहीदी आ उस तों वध ना जाए, नहीं तो फिर इहदा मक्खन निकल आएगा। ठीक है, अज तो मैं लगता कि बहुत वधिया जिहड़ा है कम चलेगा, क्योंकि कम चली जाता है, छानना हली जाता है, जिहड़े करदे हाए हाए USA आए ना आए एक बराबर ने। हाँ हाँ क्या बात है। आ देखो जी इस तरह चाहिए सानू, हाँ हाँ वाली सानू कंसिस्टेंसी चाहिए है यदि, जे तुसी बना सकते हो तो बहुत वधिया गल है, नहीं तो मेरे को सीख लियो, फोन नंबर तुहाडे कोल है ही है मेरा। हुण असी इहदे विच अपना मन भाउंदे जिहड़े फल ने उह पाउंदे आ। सब तो पहला मेरा दिल करदा पिआ कि मैं अंब इहदे विच ऐड करा, सो मैंगो इहदे विच असी पा देंगे। तुसी जिहड़ी जिहड़ा तुहानूं दिल करदा ना तुसी उह फ्रूट पा सकदे हो, इह जरूरी नहीं कि जे मैंगो मैं मैंगो पाया तुसी भी मैंगो ही पाओगे। ठीक है, बाकी सीजनल फ्रूट हैगा तुसी पाना होए तो पा भी सकदे हो, इहनूं प्राप्त करन विच तुहानूं कोई बहुती मुशक्कत करन दा सामना तो करना नहीं पैना। ठीक है, उस तों बाद मैं पाऊँगा ग्रेप्स। ग्रेप्स जिहड़े ने मैं इहनू हाफ हाफ कर लिया कट करके, क्योंकि फिर ना वह मोटा मोटा जिहड़ा ग्रेप है वह फिर ना मज़ा नहीं आता खाण का, है ना। सो इहनू असी कर दिता है हाफ हाफ, हुण बहुत सोहना लग रहा है। इहतों बाद असी विच ऐड करांगे अनार। अनार जिहड़ा सेहत लई बहुत वधिया हुंदा है, सो अनार मैनू बहुता पसंद नहीं वैसे, फिर भी मैं चलो पा रहा वा, असी पाएंगे अनार। क्या बात है, बहुत ही सोहना लग रहा है। वैसे हुण विच असी ऐड करांगे अपना ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम ते काजू, जिन्हां नूं मैं रात नूं भिओ के ते उन्हूं मैं कर लिया कट कर लिया है क्रश करके, तो यह मसारे ही पा देंगे, यह बहुत टेस्टी लगते हैं, ये मसारे ही पा देने। ठीक है, यदि नहीं कोई टेंशन हैगी सर। क्या बात, बहुत देखो वधिया चीज़ बन रही है, हैल्दी कितनी है तुसी ये भी देख सकते हो। किशमिश ये मेरा फेवरेट है इस करके, वैसे तो
ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਫਰੂਟ ਕਰੀਮ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗਾਰਨਿਸ਼, ਅਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਟੋਰੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਫਰਿੱਜ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਬਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਜਵਾਬ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਸੱਚੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ, ਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਖਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ। ਵਾਹ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕਟੋਰੀ, ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।